एक्टिव न्यूज चैनल, खबरें वही जो होती हैं सच और असरदार, दोनों शहरों की तमाम हलचल पर रखे बिल्कुल नजदीकी नजर। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, एक्टिव न्यूज में आपका खैर मकदम है। देखते हैं आज की अहम खबर। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के रूबरू धरना मुनक्किद किया जा रहा है। आज एंटी करप्शन स्क्वाड तेलंगाना ने इंटर बोर्ड इम्तहानात के नताइज के बाद तालबे इल्मों की खुदकुशी के बारे में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट नामपल्ली में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया और तमाम तालबे इल्मों से गुजारिश की है कि जिंदगी, हज़ार मार्क्स, IIT और नेट में पहले मुकाम से कहीं जिंदगी कीमती है, इसलिए डिप्रेशन का शिकार ना हो। और तेलंगाना हुकूमत से अपील की है कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट का ये मसला हल करे। प्रोग्राम में एम संतोषी की सदारत में हुआ। इस प्रोग्राम में स्कॉट के जनाब मुनीर नवाज खान, जनाब सैयद फिरोज हुसैन, जनाब शेख असद, जनाब सैयद अब्दुल जलील, जनाब निज़ामुद्दीन मौजूद थे। स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, इंटरमीडिएट बोर्ड के जो रिजल्ट्स आए हैं, स्पेशली पेरेंट्स के लिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा सब्र करिए। जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, फिर भी वैल्यूएशन जो करने वाले हैं गवर्नमेंट की तरफ से, थोड़ा सब्र करके। अपने जो बच्चों हैं, बच्चों पे गुस्सा मत होइए, क्योंकि आप लोग अगर बच्चों को गुस्सा करेंगे तो बच्चे सीरियस एक्शन लेंगे। जो अब तक सुसाइड हुआ है, शायद आगे भी होगा। मेहरबानी करके आप लोग पेरेंट्स, स्पेशली पेरेंट्स, अपने बच्चों को थोड़ा एंकरेज करके समझा के साथ में बिठाइए। तो बच्चों से एक्चुअली जो गलती हुई है गवर्नमेंट से हुई है, बच्चों से नहीं हुई। बच्चे आज नहीं तो कल पास हो जाएंगे। फेलियर ज़िंदगी ख़त्म करना नहीं है। और बच्चे जितने भी सुन रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैसेज है, आप लोग कोई भी एक्शन मत लीजिए। थोड़ी देर के लिए अपने पेरेंट्स अगर गुस्से में भी आ रहे हैं तो उनके साथ थोड़ा प्यार से पेश आइए, क्योंकि आपको फ्यूचर के बारे में वो लोग गुस्से में आ रहे हैं। जो गवर्नमेंट का है ना, ये गवर्नमेंट की गलती हुई पूरी, और गवर्नमेंट इसकी जवाबदारी रहेगी। और एक मेहरबानी करिए, जितने भी बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उनके हॉल टिकट नंबर निकालिए। गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसर्स हैं सबके ऊपर केस करेंगे, रिवॉल्वेशन करके जितने भी बच्चे हैं। हम लोग एंटी करप्शन स्क्वाड टीम तेलंगाना से है। आप एक काम कीजिए, जो भी मैं बच्चे हैं, खास तौर से बच्चों के लिए बता रहा हूँ, डिप्रेस मत हुई है, कोई भी अपनी तरफ से एक्शन मत लीजिए। फेलियर इज नॉट एंड। थैंक यू। जो एक जो बच्चे मरे उसके जिम्मेदार कौन है? बच्चे, ये जितने भी बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, इन सब के जिम्मेदार गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट जवाबदार रहेंगे। उन लोगों के फैमिलीज को भी गवर्नमेंट देखेंगे, क्योंकि अभी तक कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर एक भी डिक्लेयर नहीं करा। तो जो बच्चे सुसाइड करें उनकी जिम्मेदारी लेंगे, उनका जो भी एजुकेशन है, उनके फैमिलीज जो भी डिपेंडिंग है, उनका पूरा गवर्नमेंट जिम्मेदारी लेंगे। नहीं बोले तो हाईकोर्ट तक जाएंगे, अपन सारे स्टूडेंट्स मिल के हाईकोर्ट तक जाएंगे, जो होता देखिए। ये जो गवर्नमेंट गलती करी है, जानबूझ के करी है, एक हादसा है गलती के। गवर्नमेंट जो हुआ ना, ये नेग्लिजेंसी ऑफ जॉब है। इन लोग जिम्मेदारी नहीं समझे उसको। ये स्टूडेंट जो एक साल दिन रात बैठ के पढ़े, ये लोग मजाक में ले लेके इन लोगों को फेल कर दिए। अब जो स्टूडेंट्स जो 100 मार्क्स का पेपर जो लिखे हैं, उनको जीरो मार्क्स ऐसा है। स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को जीरो जीरो आ रहा है। आखिर क्या हिसाब है जीरो आने का? एक मार्क, दो मार्क्स से फेल होते थे। अब तक तेलंगाना की हिस्ट्री में जीरो आए तो नहीं है। पहली बार 50,000 स्टूडेंट्स को क्या है ये मार्क्स? कौन जिम्मेदार रहते? गवर्नमेंट जवाब देना इसका। तेलंगाना स्टेट का एंटी करप्शन स्क्वाड प्रेसिडेंट मुनीर। रिश्ते तय होते हैं आसमानों पर और तलाश किए जाते हैं जमीन पर। आपकी तलाश को मंजिल तक पहुंचाए गोल्डन रिश्ते। मिलाए रिश्ते नसीब के, शानदार आगाज हो चुका है गोल्डन रिश्ते, जहां आपके लड़के और लड़कियों के लिए इनकी काबिलियत और सलाहियत के मुताबिक रिश्ते दिखाए जाते हैं। आला तालीम याफ्ता NRIs, MBBS डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, गवर्नमेंट सर्वेंट, गल्फ या बैरूनी मुल्क के बेहतरीन व मियारी रिश्ते, अखदे उला, अखदे सानी और लेट मैरिज के प्रपोजल्स इंतहाई कम वक्त में तय किए जाते हैं। आज ही अपना नाम रजिस्टर करवाएं। हमारा गूगल ऐप डाउनलोड कीजिए या यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हमसे कनेक्ट रहिए। हर नए रिश्ते के ताल्लुक से आपको अपडेट किया जाएगा। गोल्डन रिश्ते, मिलाए रिश्ते नसीब के। सेकेंड फ्लोर, इम्तियाज प्लाजा, रूबरू गौतम मॉडल स्कूल, नई रोड, शालीमंडा, हैदराबाद।